पंजाब के होशियारपुर गांव नारी हिमाचल के प्राचीन प्राकृतिक मां बंगलामुखी मंदिर में पंडित यशपाल कौल शास्त्री जी के नेतृत्व में समूह संगतों की ओर से मां बंगलामुखी जयंती बहुत ही प्रेम व श्रद्धा से मनाई गई। इस अवसर पर समूह संगतों की ओर से पंडित यशपाल कौल जी ने मंत्रोच्चार के दौरान हवन में आहुति डालकर महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज तक सुनने में आया कि ऋषि मुनि योगी जति तपस्वी भगवान को रिक्वेस्ट कर देते थे, कलयुगी पंडित आपका प्यारा दोस्त भाई जिसने पत्थर के ऊपर बगलामुखी को पक्ष कर दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण। ना मंत्रों से भगवान पक्ष होता है, ना यज्ञ से होता है, ना औतियों से होता है, ना मंत्रों से होता है, ना तंत्रों से होता है। श्रद्धा सबसे बड़ी सर्वोत्तम। भगवान जो है, जब तक हम जन हित का कल्याण नहीं करेंगे, हमको भगवान दर्शन नहीं देंगे। भगवान ने हमें दायित्व दिया कि लोगों का कल्याण करें, लेकिन लोगों को दिखाएं क्या कि भगवान कहाँ है। तो ये आपका हिमाचल में पहला मंदिर है, विश्व में पहला मंदिर है जिसमें साक्षात कलयुग दे बीच स्टोन के ऊपर बगलामुखी माता जी प्रकट हुए हैं। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई अनंबर नहीं, कोई विडम्बना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं। आप लोगों ने मजबूर किया और मुझे प्रेरित किया और मैंने आपको मांग को प्रकट करके प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। जय माता। जगदलपुर में पहली बार ओम प्रकाश माथुर के दौरे में भाजपा ने स्वागत संख ध्वनि बीज फूलों की वर्षा माद्री नृत्य के साथ आयोजन स्थल तक लेकर गए। सियासी बिसात बिछाने और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने बस्तर प्रवास पर आए भाजपा छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम प्रकाश माथुर शहर की सड़कों पर पैदल चलते नजर आए। ओम प्रकाश माथुर ने पत्रकारों से चर्चा भी की और दंतेवाड़ा में डीआरजी जवानों पर हुए नक्सली हमले पर कायराना करतूत बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली टारगेट किलिंग करते आ रहे हैं और यहां कांग्रेस की भूपेश सरकार भी ऐसे हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हुई है। एक चुनाव का टेक्निकल वर्ग, दूसरा चुनाव का पॉलिटिकल वर्ग। टेक्निकल वर्ग वो है जिसको हम बूथ जीता चुनाव जीता का आधार बोलते हैं। तो बूथ तक हमारी अप्रोच हो, हमारी बूथ कमेटियां बने, बूथ कमेटियों में सोशल भौगोलिक इक्वेशन बराबर हो, इस सब की चिंता करना और साथ साथ में देश प्रमुख तक आगे बढ़ना, पन्ना प्रमुख तक, ताकि मतदान तक हमारा कार्यकर्ता सक्रिय रहे। हम सब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचकर अरनपुर क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। 26 अप्रैल की नक्सल हिंसा की इस घटना में डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हुआ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शहीद जवानों के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना प्रकट की और ढाढ़स बंधाया। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री तामझर स्वाहू, बस्तर सांसद दीपक बैस, सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम, बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, दंतेवाड़ा विधायक श्रीमती देवती कर्मा, अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजे नक्सल विवेकानंद सिन्हा, बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े, आईजी बस्तर सुंदर राजपी, कलेक्टर विनीत नंदनवार, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली और उस आधार पर यहाँ से हमारे डीआरजी जवान के दो टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो
सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय ये घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई हमारी डीआईजी के एक सिविल ने की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति। जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी के पहल पे निगम और पुलिस के सहयोग से अंतिम संस्कार किया गया। कलेक्टर चंदन कुमार एवं अध्यक्ष बस्तर रेड क्रॉस सोसाइटी को सूचना प्राप्त हुआ कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के सामने बाजार में किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, उसके साथ एक महिला है और उनका कोई नहीं है, अंतिम संस्कार करवाने में लाचार है। तत्काल मानवीय पहल करते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर एम चेरियन को अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करने का निर्देश दिया। साथ ही महापौर सफीरा साहू ने निगम के माध्यम से मुक्तिधाम में व्यवस्था करवाई। सब इंस्पेक्टर राजेश नेपाली गांगुली दामोदर अलेक्जेंडर के सहयोग से रेड क्रॉस के माध्यम से अंतिम संस्कार सम्मान के साथ संपन्न हुआ। जनता जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पनेरिया ब्लॉक में भटरूसे में सड़क व स्कूल की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जनता जोगी कांग्रेस छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रवि चंद्रवर्सी ने बताया कि पनेरिया विकास खंड के ग्राम भटरूसे में सड़क की काफी दिनों से समस्या बनी हुई है। वहीं गांव में प्राथमिक स्कूल है जिसमें 80 से 90 बच्चे अध्ययनरत हैं। प्राथमिक स्कूल 35 वर्ष पुराना हो चुका है और वहां बच्चों के बैठने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं। बच्चों के भविष्य को देखते हुए नए स्कूल भवन व अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए राशि जारी करने की मांग व जर्जर सड़क की मांग को पूरी करवाने की अपील की गई। पहली से लेके पांचवी तक के बच्चे एक ही कमरे में पढ़ने को मजबूर हैं, जिसके लेकर आज हम लोग सभी ग्रामीण माननीय कलेक्टर महोदय से मिले हैं और मांग की है कि हमारे गांव में आप जल्द से जल्द प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कराइए ताकि हमारे गांव के बच्चे उसमें पढ़े और हमारे गांव के शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। साथ ही गांव में जो मुख्य मार्ग है वो मिट्टी से बना है। आज से 40 साल 45 साल पहले उस रोड पर अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो वो चलने लायक स्थिति में नहीं रहती है, जिसके लिए हमने पक्की सड़क निर्माण की भी मांग की है। मुख्य रूप से हमने दो मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और यह निवेदन भी किया है कि आप हमारी मांगों पर तत्काल विचार करिए और हमें जो चाहिए, चाहे स्कूल भवन हो चाहे पक्की सड़क हो, आप दिलाइए, नहीं तो फिर ग्रामीण आंदोलन के लिए मजबूर रहेंगे। थर्रा वाला जो रोड है वो बीच हमारे जो पंचायत है वो ऐसा पंचायत हो जाता है कि कवर्धा और पंडरिया के बीच में पड़ जाता है। उस वजह से है कि किस वजह से नेता लोग या हमारे यहाँ से अधिकारी लोग उस पर कार्यवाही करने, मतलब कुछ सड़क बहुत बार हो गया कि सड़क का जो है बहुत ज़्यादा दर्ज हो चुका है। तो स्कूल का मांग किए हैं, स्कूलों में बच्चों लोग जो है 80 से 90 स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनका भी भविष्य का सवाल है। वो लोग भी जो है एक रूम पे बैठ के पढ़ रहे हैं, किसी का इधर तो किसी का उधर, बहुत कीचड़ वगैरह भी बहुत जाता है। स्कूलों का गार्डन वगैरह भी जो उनका जो है वो सही नहीं है, सबको मरम्मत कराने के लायक हो चुका है वो। अधिकारी से चर्चा के दौरान आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिए हैं कि हम लोग कार्यवाही करते हैं, देखते हैं स्कूलों का जो है वो अभी बनने के लिए कुछ उसका अनुदान करेंगे करके। सड़क का तो सड़क का बोल रहे हैं कि वहाँ से आपका फंड से आएगा तब हो जाके हो पाएगा करके बोल रहे हैं उस पर। अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग का क्या रुख रहेगा? आगे का हमारा ये रुख रहेगा कि उस पर आगे हम लोग का गांव, पूरे गांव वाले उग्र आंदोलन का कोशिश करेंगे। अगर शांति रूप से नहीं हो पाया तब उग्र आंदोलन कर सकते हैं। ग्रामीणों का कि वहाँ पर एक स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, उसमें एक कमरे में 70 से 75 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए वो अतिरिक्त भवन की मांग कर रहे हैं। और साथ में एक बस्ती है जहाँ पर आने जाने के लिए सड़क नहीं है, उस संबंध में डिमांड है। तो उनको अवगत कराया गया कि प्रयास करेंगे कि DMF से स्कूल भवन के लिए क्या हो सकता है।
और दूसरा सड़क के लिए अवगत कराया गया कि शासन को जब पूर्व ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है इसके संबंध में और वर्तमान में फिर से एक बार शासन को मांग के लिए भेजा जाएगा। स्कूल भवन को लेकर के सर काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी दिनों से जूझ रहे हैं ग्रामीण और उनके बच्चे। इस संबंध में DO से रिपोर्ट भी लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। CM भूपेश बघेल दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद रायपुर वापस लौटे और मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 10 जवान और एक आम नागरिक की शहादत हुई है। हमारे जवान सरचिक में गए हुए थे जहां 2 नक्सलियों को पकड़ कर लाया गया, एक नक्सली घायल है और दूसरे को पुलिस ने पकड़ रखा है। 2 साल बाद ID ब्लास्ट में हमारे जवान शहीद हुए, जबकि नक्सल बाहुल क्षेत्र में 75 कैंप खोला गया है। इनपुट हमारे पास था, इसलिए हमने 2 नक्सलियों को पकड़ा। वहां ऑपरेशन कर लौटते समय यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है, वह केवल राजनीति बयानबाजी कर रहे हैं। हमें सफलता मिलती है और कई बार हमें भी नुकसान होता है, हमने नुकसान उठाया है और हम निराश नहीं है, हम हताश नहीं है, बल्कि शहादत से हमारे जवानों का हौसला और बढ़ा है और जो शहादत हुई है वह बेकार नहीं जाएगी। इनपुट हमारे पास तो था, तभी तो जाकर वहाँ ऑपरेशन किए और ऑपरेशन किए तो 2 लोगों को पकड़े भी, एक को गोली लगी और एक को उठा जिंदा पकड़ लिए और वहाँ लौटते समय ये घटना घटी है। देखिए, जब ऑपरेशन निकलते हैं तो उसमें बहुत सारे जो रणनीति है उसमें बदलाव भी करना पड़ता है रणनीतिक तौर पर, और वो हर समय किया जाता है, तो इसमें कोई समन्वय नहीं है, ऐसी बात नहीं। उनके शासनकाल में तो नीति नहीं थी, 15 साल रहे, वो खुद भी गृह मंत्री रहे लेकिन कोई नीति नहीं बना पाए। हमारे शासनकाल में तो नीति बनी है और उसी तहत हम आगे बढ़े हैं, इसमें सफलता मिली है। लगभग करीब 550-600 गाँव हम लोगों ने खाली करा लिया है। कोंडागांव जिला पूरा खाली हो गया है, सुकमा जिला थोड़ा सा बॉर्डर में है, बचा तो खाली हो चुका है। तो लगातार हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, भारत सरकार खुद ही डिक्लेयर किया है कोंडागांव को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया है, तो उसकी बात सही माने कि ब्रिज मोहन की बात सही माने। मैं नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि एक नक्सली घायल हुआ है और एक को जिंदा पकड़े हैं, ऑपरेशन में गया, ऑपरेशन में कई बार हमें सफलता मिलती है, कई बार ये है कि हमको नुकसान उठाना पड़ता है, हमने नुकसान उठाया है लेकिन हम लोग इससे कोई हताश या निराश नहीं है, इससे बल्कि हमारे जवानों का मनोबल और बढ़ा है और तेजी से कार्रवाई करेंगे और जो हमारे 10 जवान की शहादत हुई है वो बेकार जाएगी। नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां नारायणपुर दंतेवाड़ा से सुकमा को जोड़ने वाली रोड पर नकुल नार के पास माओवादियों के द्वारा एक दिन पहले बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक के थाना घनौरा क्षेत्र अंतर्गत नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया और ओरछा गेट से धनौरा चढ़ाव तक गड्ढा खोदकर व लकड़ी रखकर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में बैनर पोस्टर भी नक्सलियों द्वारा लगाए जाने की सूचना है। भारतीय जनता पार्टी ने अरनपुर में शहीद जवानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देने का काम किया। दंतेवाड़ा में बीती शाम भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अरनपुर ID ब्लास्ट में शहीद जवानों को जय स्तंभ चौक दंतेवाड़ा में मोमबत्तियां जलाकर जवानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री ओजस्वी मंडावी ने जवानों की शहादत पर गहरा दुख जताया। कल जो दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर क्षेत्र में बहुत बड़ी जो नक्सली द्वारा हमारे जो DRG के जवान थे उनके ऊपर अटैक करके जो गाड़ी को बम के द्वारा विस्फोट करके उड़ा दिया गया, जिसमें हमारे DRG के 10 जवान शहीद हुए और साथ में वाहन चालक एक जिनका जिसमें वो शहीद हुए। आज हम युवा मोर्चा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कैंडल जलाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सरगुजा कलेक्टर के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बिलासपुर में सील किए गए अवैध गुड़ फैक्ट्री का संचालन धड़ल्ले से रात्रि पहर में किया जा रहा है, जहां प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।
गौरतलब हो कि सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार द्वारा बतौली के बिलासपुर में अवैध रूप से संचालित गुड़ फैक्ट्री को कार के दौरान खोलते हुए गन्ने के रस में गिरे नाबालिग 12 वर्षीय रोहित के घायल होने पर बतौली तहसीलदार को निर्देशित कर फैक्ट्री को सील करवाया गया था। उस दौरान बतौली तहसीलदार ईश्वर चंद यादव, RI धर्मेंद्र दुबे, श्रम विभाग और बतौली पुलिस के संयुक्त टीम के साथ फैक्ट्री की जांच करने पहुंचे तो गुड़ फैक्ट्री के संचालक किशन पाल तोमर ने जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, लिहाजा जांच में निस्तार भूमि में संचालन, नाबालिगों से कार्य पर्यावरण संबंधी दस्तावेज, भूमि डायवर्सन सहित अन्य कमियां फैक्ट्री संचालन के संबंध में पाई गई, जिसे तत्काल तहसीलदार की उपस्थिति में सील किया गया और फैक्ट्री संचालन नहीं करने की बात संचालक को बताई गई। इसके बावजूद भी ऊंची पहुंच और मंत्री जी का धौंस दिखाकर धड़ल्ले से विगत 18 अप्रैल रात्रि पहर में कार्य करवाया जा रहा है। हमेशा ही विवादों में रहे फैक्ट्री संचालक द्वारा अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। दसवीं पढ़ता है बोल रहे हैं? दसवीं पढ़ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? अमित दास। पापा का नाम? कलिंदर दास। कहाँ रहने वाले हो? बिलासपुर। बिलासपुर। बेटा रात में काम कैसे कर रहे हो? रात में बिलासपुर। अच्छा, इसका जानकारी था आपको कि सील हुआ है प्रशासन द्वारा? जानकारी था। अभी काम धड़ल्ले से चल रहा था कि नहीं, आप लोग देखे थे? चल रहा है अभी, धड़ल्ले से चल रहा है ना। छत्तीसगढ़ लेबर मनरेगा वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले संगठन का विस्तार किया गया। छत्तीसगढ़ लेबर मनरेगा वेलफेयर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष का अंबिकापुर आगमन हुआ। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका आगमन का मुख्य कारण अपने संगठन का विस्तार करना व मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना है। मनरेगा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि जितने भी श्रमिक है, अगर उनके ऊपर किसी तरह की आपदा या समस्या आती है, खासकर महिलाओं की, तो साथ ये संगठन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। इसी कड़ी में मनरेगा प्रदेश अध्यक्ष ने तकिया दरगाह जाकर मजदूरों की खुशहाली के लिए चादर चढ़ाया और उज्जवल भविष्य की कामना की। आए थे और हम आगामी एक दो दिन के अंदर यहाँ पे हम संगठन का विस्तार करेंगे और विस्तार कर हम उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम शासन को भी उसकी जानकारी देंगे और हमारे मजदूरों को भी इसकी जानकारी देंगे। संगठन में जो विस्तार जो आपके द्वारा किया जा रहा है जी, उस संगठन की कार्य क्षेत्र क्या रहेगी, इससे मजदूरों को क्या फायदा होगा? हमारा संगठन का जो कार्य क्षेत्र रहेगा, वो हमारा जो मजदूरों का संगठन क्षेत्र है केवल मनरेगा या ग्राम तक नहीं है, हमारा जो संगठन क्षेत्र है वो जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो राइस मिल के हों, चाहे वो ईंटे भट्टे के मजदूर हों, चाहे वो खदान के मजदूर हों, जहाँ के भी मजदूर हैं, उनके ऊपर कोई दैवीय आपदा हो, उनके ऊपर कोई शोषण किया जाता है। जनरली आजकल क्या होता है, मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से बता दूं, सभी लोगों, सभी मजदूरों को बता दूं कि क्या होता है, कई महिलाएं जो होती हैं मजदूर, वो कहीं भी जाती हैं कार्य करने जाती हैं, तो वो क्या होता है, उनके दबाव में, पैसे के दबाव में उनको क्या है, शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है, तो उसकी रक्षा के लिए हमको सामने आना है और इस प्रकार का कोई भी अगर घटना हमारे सामने आती है तो उसको हम सड़क से लेके राज्यपाल ही नहीं, हम उसको प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए उसके हम एकजुट होकर उसका कार्य करेंगे। इसलिए हमने इस संगठन को आगे लाया है। मजदूरों के साथ कभी कभी ये होता है कार्य करवाने के बाद उनको दबावपूर्वक बनाकर और उनको भुगतान नहीं किया जाता, इसके कारण हमारे यहाँ से एक सबसे ज्वलंत समस्या हमारा इसलिए आ रही है मजदूरों के साथ, उनको नियमित भुगतान नहीं होने के कारण वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जिस पलायन को हम अपने संगठन के माध्यम से रोकना चाहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ छत्तीसगढ़ द्वारा नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का काम किया गया। MCB जिले के चिरमिरी में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा बस्तर में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताते चले कि यह एक बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने DRG के जवानों पर घात लगाकर हमला किया। हमले में 11 जवान बलिदान हो गए, इसके अलावा एक ड्राइवर की भी मौत हुई है। इस घटना को लेकर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने इसे बहुत दुख बताया और छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद ने छत्तीसगढ़ की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ना जाने और कितने बलिदान कराएगी, छत्तीसगढ़ की सरकार चाहती तो नक्सलियों को अभियान चलाकर जड़ से खत्म कर सकती थी, लेकिन यह एक निकम्मी सरकार है। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के द्वारा चिरमिरी हल्दीबाड़ी में जो जवान बस्तर में जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दिया गया है। बड़ी दुख की बात है कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ के जो राज्य सरकार है उनको इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। वो अगर चाहते तो बड़ा से बड़ा
कार्रवाई करवा सकते थे। इससे पहले भी बहुत सारे जो जवान शहीद हैं, लेकिन राज्य सरकार को इसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा है। राज्य सरकार ऐसा क्या चाहती है जो जो यहाँ के जो वीर जवान हैं धीरे धीरे शहीद होते जा रहे हैं। कम से कम इसमें बड़ा एक्शन राज्य सरकार को लेना चाहिए। पंजाब के होशियारपुर गांव नारी हिमाचल के प्राचीन प्राकृतिक माँ बंगलामुखी मंदिर में पंडित यशपाल कौल शास्त्री जी के नेतृत्व में समूह संगतों की ओर से माँ